Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. Good morning, Virender. Good morning, Saurya. Please let me know, am I audible as well as visible? हाँ जी, एक बारी कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन. गुड मॉर्निंग अभिमन्यु. प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, आई एम ऑडिबल. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू अभिमन्यु. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं. सारे ही क्वेश्चंस जो प्लस टू में आपसे एनवायरनमेंट का एक सेक्शन मिलता है, आपको वहीं से क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट? सो उससे जाने से पहले आप कुछ हमारा वीकली स्केड्यूल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम 10:15 हर रोज 10 MCQs देखते हैं. ऐसे ही मेन्स करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 2:15. डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं 6:15. ऐसे ही एचपीएस, सीसैट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं 8:09. ओके, सो वील बी डिस्कसिंग 10 MCQs दैट विल बी रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट सेक्शन, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या कहता है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका करेक्ट होना चाहिए. विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोसिस्टम. पहली स्टेटमेंट है, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद दी सराउंडिंग फिजिकल एनवायरमेंट. सेकेंड है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. ए है वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ वन एंड टू, और इज इट डी नीदर वन नॉर टू. हां जी, आंसर्स प्लीज. ओके, सौरभ सेज ए, देवशीष सेज बी. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. हां जी, बोथ आर करेक्ट. हां जी, कविता सेज दिस. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी. दोनों ही करेक्ट हैं. ए और बी में आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखिए, इकोसिस्टम की डेफिनेशन तो सबको ही पता होनी चाहिए कि ये एक फंक्शनल यूनिट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो उसके सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है वो इंटरैक्ट करते हैं. उसी रीजन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है? तो इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए. जो आपका ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट? सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है. देखिए, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलते हैं. कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं. तो जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो आपको याद है पिरामिड बनाते थे हम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होते थे, प्रोड्यूसर्स, ऐसे ही आपको कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन. तो यहाँ पर क्या की गई है, उन स्पीशीज को स्ट्रैटिफाई किया गया है, तभी उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन. तो ये सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी. डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से पढ़िएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम. ए है, ग्रासलैंड रेयरली रिसीव इनफ रेन टू सपोर्ट ट्रीज एंड डज नॉट पोजेस इनफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स टू फीड लार्ज ग्रासी एक्सपेंसेस. सेकेंड स्टेटमेंट है, टूंड्रा इज द ट्रीलेस एनवायरमेंट ऑफ द आर्कटिक सर्कल. थर्ड है, द टाइगा इज द रीजन ऑफ सब आर्कटिक फॉरेस्ट साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट है वन एंड टू ओनली, बी है थ्री ओनली, सी है टू एंड थ्री, और इज इट डी वन ओनली. हां जी, आंसर्स प्लीज. देखिए, जो बायोम होता है उसका एक्सपांस आपको काफी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल
किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जब हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, जब हम लैटिट्यूडनल डिविजन करते हैं इसकी, तो क्या होता है, यहां पर आपको सिमिलर एटमोस्फेयर देखने को मिलता है, तो हम इस रीजन को बोल देते हैं बायोम। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, बायोस्फीयर वो रीजन है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। लेकिन अगर हम बायोम की बात करते हैं, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर रीजन इन दिस लैटिट्यूड इज अ बायोम। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है? ओके, लेट्स सी द आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर्स कह रहे हैं ए, ओके, एवरीवन इज सेइंग एज ए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर इज सी, आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, उन्होंने बोला है ग्रासलैंड रेयरली रिसीव इनफ रेन टू सपोर्ट ट्रीज। अब ग्रासलैंड्स में आपने देखा है सवन्ना ग्रासलैंड्स देखने को मिलती हैं, ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स देखने को मिलती हैं। कहीं पर आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं, कहीं पर आपको कोई भी ट्री देखने को नहीं मिलते, और आपको बहुत लंबी लंबी ग्रासेस, जिसको हम एलिफेंट ग्रासेस बोलते हैं, वो देखने को मिलती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बोला है इट डज नॉट पोजेस इनफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सो ये तो गलत है, क्योंकि किसी ग्रासलैंड्स में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है लेकिन कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम टुंड्रा और टाइगा की बात करते हैं, ये आप ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये वाला तो क्वेश्चन गलत होना ही चाहिए था एनीवेज, क्योंकि ये तो एनवायरमेंट का नहीं, ज्यादा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है, टू और थ्री? तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, टेम्परेट भी होते हैं, ट्रॉपिकल भी होते हैं। तो जो आपके टेम्परेट वाले ग्रासलैंड्स हैं, तो यहां पर आप देखेंगे रिच ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, कहां पर, पुस्ताज में। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ऐसे ही अगर हम प्रेरीज की बात करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज दी व्हीट ग्रेनरीज। अगर व्हीट ग्रेनरीज कहा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां का जो रीजन है, वहां की जो सॉइल है, वो फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, डन। सो आप देख सकते हैं बहुत से आपको यहाँ पर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम टाइगा और टूंड्रा में देखते हैं, देखिए जो टूंड्रा है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में आपको देखने को मिलेगा टुवर्ड्स दी पोल्स, राइट? सो यहाँ पर कोई भी ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपको क्या देखने को मिलते हैं, मॉसेस एंड लाइचन्स। ऐसे ही अगर हम टाइगा की बात करते हैं, तो इट एक्सटेंड्स इन दी सब पोलर बेल्ट, तो सब पोलर बेल्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, पाइन एंड फर, ठीक है? सो यहाँ पर अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं, द विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड, समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। ऐसे ही अगर हम विंटर्स यहाँ पर बात करते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी सीवियर। जो समर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं, और रादर ये वार्म तो होती ही नहीं है, ठीक है? स्पीशीज की अगर बात करते हैं, तो टूंड्रा में आपको रेनडियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इट इज दी लैंड ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स। सो जिनके पास भी फर होता है, चाहे फिर वो मिंक हो, चाहे स्क्विरल हो, एक्सेट्रा, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, दैट इज इन दी टाइगा रीजन, ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, With respect to productivity of an ecosystem, consider the following statements. A है, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. B है, secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by the producers. हाँ जी, आंसर्स प्लीज आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए है वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ वन एंड टू, और इज इट डी नीदर वन नॉर टू? हाँ जी, आंसर्स प्लीज।
ओके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा है। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट क्या है? दैट इज बी। अब देखिए, आपने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो भी ऑटोट्रॉफ्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज प्राइमरी। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द इकोसिस्टम, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्राइमरी जो भी आपकी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस। अब अगर हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? रेस्पिरेशन। क्योंकि जो वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं वो खाना खुद भी तो यूटिलाइज करेंगे ना, वो एनर्जी खुद भी तो यूटिलाइज करेंगे। तो अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, तो आपका आंसर क्या आ जाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उन्होंने बोला है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर्स। अब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूसर्स होगा कि कंज्यूमर्स होगा? क्योंकि जब आप पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। तो अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्रोड्यूसर्स नहीं, क्या आना चाहिए? कंज्यूमर्स। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। तो ऑलमोस्ट सभी का गलत था ये आंसर, ठीक है। सो आप देख लीजिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर्स। लेकिन अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। इसीलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज क्वाइट स्लो, लेकिन वहां पर फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिससे फोटोसिंथेसिस वो कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ऐसे ही अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई एम सॉरी, यहां पर आंसर पहले ही है आप, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स? ए, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। बी है, इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स। सी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स विल ऑलवेज बी हर्बीवोरस। डी, दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। सो यहां पर आपको नॉट करेक्ट बताना था। नॉट करेक्ट यहां पर क्या है? दैट इज बी, क्योंकि यहां पर टर्शरी कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ही नहीं इसमें। देखिए सिंपल सा बात है, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली बात है, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। ऐसे अगर हम सी की बात करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, देखिए प्राइमरी किस पे डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करेंगे। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा ही क्या होंगे? हर्बेशियस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डी की बात करते हैं, दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आपको कंज्यूमर्स दिखेंगे। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? टर्शरी कार्निवोर्स। सो टर्शरी कार्निवोर्स कौन से होंगे? जो सेकेंडरी कार्निवोर्स पे डिपेंड करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है, तो इसलिए आपका जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन ध्यान से पढ़िएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ. सेकेंड स्टेटमेंट है, एट ईच स्टेप अप द फूड चेन only 10% of the energy is passed on to the next level, while approximately 90% of the energy is lost as heat. Third hai, of the incident solar radiation, more than 50% of it is photosynthetically active radiation. Aapko batana hai, kaun si statements correct hai? 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3 only, or is it D 3 only? हाँ जी, answers please. Okay. So Devashi says A, Anu A, sorry B. Okay. So almost everyone is saying it as A. Okay. So answer is correct. यहाँ पर option क्या बन जाती है आपकी A. थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पर मोर देन लिखा गया है, यहां पर क्या होना चाहिए था? लेस देन 50%. देखिए, अगर आप अपने एचएएस के पेपर को देखते हैं तो जो पास्ट ईयर पेपर जो 2021 में हुआ था, वहां पर ना ऐसे ही स्टेटमेंट्स गलत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वर्ड गलत किया हुआ था. तो क्वेश्चन को ना हमेशा ध्यान से पढ़िए. जो पीएआर होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो भी हमारी सन रेज आती हैं, उसमें से लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. उसमें से भी जो प्लांट्स कंज्यूम कर पाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10% ओनली, राइट. सो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि मोर देन नहीं है, क्या है? लेस देन है. ठीक है, तो अगेन वही है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी होगी? वो वेवलेंथ जो आपको 400 to 700 नैनोमीटर में देखने को मिलती है इन दी लाइट स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो जो भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी है? इट इज लेस देन 50%. और प्लांट्स कितनी कैप्चर कर पाते हैं? ओनली 2 to 10% ऑफ दिस पीएआर. वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये 2 से 10% जो प्लांट्स कंज्यूम कर पाते हैं, उसी से आपकी पूरी धरती स्टेबलाइज्ड है, बैलेंस्ड है. ठीक है जी, सो दिस इज इट. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है, द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी इज मोर एक्यूरेट देन द पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास. सेकंड है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इनवर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज far exceeds that of phytoplanktons. आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, और इज इट डी नीदर 1 नॉर 2? हां जी, answers प्लीज. ओके, योगिता says B. ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी वन इज सेइंग इट एज बी. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज ए. देखिए, यहां पर ना अगेन आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ो. कैसे? देखिए, यहां पर लिखा है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑलवेज इनवर्टेड. ऐसा ऑलवेज नहीं होता. देखिए, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की बात आती है ना, तो जो आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, वो जनरली गलत होती है. जब ऑलवेज आ गया या ऑल टाइम आ गया, तो ये चीजें आपकी गलत होती है, क्योंकि ऑलवेज नहीं हो सकता है, राइट. सो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. अगर हम पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इट इज मोर एक्यूरेट देन पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड एनर्जी. क्योंकि देखिए, प्रोडक्टिविटी में क्या आता है? बायोमास आता है ना. तो जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू पिरामिड ऑफ नंबर्स. सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सो द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी is the total amount of energy present at each trophic level as well as the loss of energy between each trophic level. So, अगर हम productivity की बात करते हैं, हर trophic level में जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, तो हमें trophic level की total amount of energy भी पता चलती है,
जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो हमें उसका डिफरेंस भी पता चलता है, लॉस भी पता चलता है, जिसको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ। 10% लॉ कैसे, जैसे हम जाते रहते हैं तो जो हमारी 90% ऑफ द एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इट इज लॉस्ट एज हीट। तो जो आपका पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी है इट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल द रिजर्वायर एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर। सेकेंड है, अनलाइक कार्बन साइकिल देर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फरस इन टू द एटमोस्फेयर। आपसे करेक्ट पूछा है, देखिए सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। बोला गया है द रिजर्वायर फॉर गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में तो नहीं होगा, गैसियस टाइप कहां पर होगा, एटमोस्फेयर में होगा। तो बिल्कुल उल्टा लिखा गया, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। अगर हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज इन द फॉस्फरस इन टू द एटमोस्फेयर। सो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो आपका कार्बन साइकिल देखने को मिलता है और जो फॉस्फरस साइकिल है, जो फॉस्फरस साइकिल है वो किससे रिलेटेड है, अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड है। तो इसीलिए जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो हो जाती है स्टेटमेंट बी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कार्बन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड डीएनए। आपको बताना है व्हाट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्बन साइकिल। ए, बिकॉज अर्थ इज अ क्लोज सिस्टम द अमाउंट ऑफ कार्बन ऑन द प्लैनेट नेवर चेंजेस। बी है, ग्रीन कार्बन इज द टर्म फॉर कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। सो आप बताइए करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉट टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका करेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, आंसर्स प्लीज। ओके, देवशी सेज ए, योगिता सेज बी। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कार्बन पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ो। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वन ओनली, आपसे करेक्ट पूछा गया है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो आप देख सकते हैं, यहां पर ग्रीन कार्बन लिखा है और यहां पर लिखा है वर्ल्ड ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। यहां पर ग्रीन कार्बन नहीं, क्या होना चाहिए, ब्लू कार्बन। क्या होना चाहिए, ब्लू कार्बन, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, देखिए जो अर्थ है ये क्लोज्ड इकोसिस्टम है। क्लोज्ड इकोसिस्टम का मतलब यहां पर क्या होता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। जैसे आपका वाटर साइकिल एग्जिस्ट करता है, जो वाटर है ऑल द मोर कॉन्स्टेंट रहता है, ऐसे अगर कार्बन की बात करते हैं तो जो कार्बन साइकिल है वो भी क्या है, क्योंकि एक अर्थ क्लोज सिस्टम है, जो कार्बन की अमाउंट है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तभी मैंने आपको बोला था कार्बन डाइऑक्साइड को मत सोचो, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि व्हीकुलर एमिशंस हुए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। डन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, अगेन इसका आंसर आ चुका है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। इन सिटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन बोला गया है। देखिए दो तरह की कंजर्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू। देखिए इन सिटू का मतलब क्या होता है, जहां पर है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट कर लेना। एक्स सिटू का मतलब क्या होता है कि आप उस साइट को छोड़कर दूसरी साइट पे उसको लेके जाते हैं और फिर वहां पर प्रोटेक्शन की जाती है। तो इन सिटू मेथड्स कौन कौन से हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व भी हुई है, कम्युनिटी रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी। लेकिन अगर हम सीड बैंक्स की बात करते हैं तो ये कैसी कंजर्वेशन है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है, इन सिटू नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है, नेशनल पार्क्स एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशी।
थर्ड स्टेटमेंट है, दी बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स. आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. वन ओनली, वन एंड टू ओनली, सी थ्री ओनली, और इज इट डी, वन टू एंड थ्री ओनली. हां जी, आंसर्स प्लीज. ओके, संयुक्ता सेज ए. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आज किसी के भी क्वेश्चन सही नहीं है, ऐसा क्यों? साइंस ज्यादा आ गई एनवायरनमेंट से. देखिए, एनवायरनमेंट का पोर्शन आपके एचएएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि 2021 से ही इन्होंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कुछ पूछने शुरू किए हैं. तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो प्लीज इसको साइडलाइन मत कीजिए. जो ज्योग्राफी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप एनवायरनमेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि 2021 में आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड. तो हम होप कर रहे हैं कि इस बार आपको एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनरली अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एचएएस में ये मेंस में ज्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक बनता है. लेकिन प्लीज इसको साइडलाइन मत कीजिए, ठीक है? सो लेट्स सी द आंसर. आंसर है, यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिट की जाती है. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी होती है. ऐसे ही अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घोषित कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व की अगर बात करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ वॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? सो दिस इज ट्रू. ऐसे ही अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसको ऑल्टर कर सकता है. अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसको चेंज कर सकती है, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे फिर वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है? सो आप देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंसेस हैं. अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल एक्टिविटीज की नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज आपको ना के बराबर देखने को मिलती है, ठीक है? सो नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू अ सेंचुरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक्सप्लिसिट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं. देखिए, जो नेशनल पार्क है वो कभी भी आप उसको डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हो. लेकिन अगर मुझे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाना है तो आप कर सकते हो. तो नेशनल पार्क की जो स्ट्रिंजेंसी है, स्ट्रिक्ट रूल्स ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. हाँ जी, द स्टेटस इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, एग्जैक्टली. हाँ जी, प्लीज आपने स्कोर जरूर लिखिएगा और करेक्ट स्कोर लिखिएगा. सो दिस वॉज इट. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.